सो हाय गाइस, स्वागत है आपका अकोला बर्ड इन्फॉर्मेशन की न्यू वीडियो में। तो ये वाले वीडियो में मैं आपको बजीज का केज बताऊंगा। मैंने नया केज लिया है बजीज के लिए, तो उसका मेरा सेटअप भी बताऊंगा कि मैं बजीज कैसे रखता हूँ। और ये देख सकते हो, ये मटके वगैरह, इनका मैं कुछ आने वाले वीडियो में करूंगा। तो ये वाले वीडियो में मैं आपको केज बताऊंगा बजीज के लिए और बजीज भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइड में जो आपको दिख रहा है यही है मेरा केज, और इसमें मैंने ब्रीडिंग के लिए लिया है। और मैं आपको आगे से बताता हूँ, तो ये कुछ ऐसा केज है, मीडियम साइज़ का केज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें अच्छे से ब्रीड हो जाएंगी। और ये साइड से मैंने कुछ ये लगाया है, इससे बजीज बर्ड को ठंड नहीं लगेंगी, और अगर बारिश वगैरह की आई तो उनको रेन भी नहीं लगेंगी। और मैं आपको ऊपर से भी बताता हूँ मैंने क्या डाला है। तो ये देख सकते हो, ये पन्नी की वजह से उनको बारिश नहीं लगेंगी और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे हेल्थ की वजह से, इशू वगैरह कुछ। और रात में मैं ढक दूंगा। और ये एक पेयर है, इसमें टोटल दो पेयर हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार पेयर से ब्रीड लूँगा। अभी तो दो ही पेयर हैं, बाद में और लाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा अभी। और ये ऊपर दिख रही है आपको, ये एक पेयर है। तो ये मैंने कुछ चार मटके लगाए हैं फिलहाल, तो इसकी वजह से मैंने ये टाइट किया है, और इससे ये मटके हलेंगे भी नहीं, आप देख सकते। तो सीड्स में मैं कुछ ये देता हूँ, और समार भी डाला हुआ मैंने। एक ग्रीन फूड को काफ़ी पसंद करते हैं बजीज बर्ड, तो उनको वो भी देता हूँ। ये देख सकते हो, ये समार। और अभी ये केज देख सकते हो आप, मैं आपको बाजू का व्यू बताता हूँ अभी। ये मेरे केज के बाजू का जो व्यू है, देख सकते हो बजीज बर्ड को ग्रीन बहुत दिखता है, तो उसकी वजह से वो जल्दी ब्रीड पर आएंगे और जल्दी मेरे इधर ब्रीड करेंगे। तो मैंने केज चेंज किया, इसके पहले भी उन्होंने अंडे रख दिए थे, अभी वापस वो अंडे भी बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉकटेल का ये डालूँगा वहाँ पे, नहीं तो यहाँ जो बाजू की जगह दिख रही है यहाँ पे मैं कॉकटेल का एक पेयर डालूंगा, मतलब उसका केज ब्रीडिंग के बजीज के केज के बाजू में जो जगह है वहाँ से मैं कॉकटेल रखूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से प्राइवेसी मिल जाती है और कॉकटेल को प्राइवेसी चाहिए होती है ब्रीडिंग करने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, तो मैं वहाँ पे कॉकटेल रखूँगा और फिर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा अभी। और मैं इस चैनल पे पूरा बर्ड्स का डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।